नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो वापस लो, वापस लो, वी हाई वापस लो, वी हाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, वी हाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के टंगीराम अखाड़े के पास, जहाँ पर दिल्ली सचिवालय भी नजदीक ही है। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ सपोर्ट अस दिल्ली गवर्नमेंट, रोल बैक वी हाई, वी वांट जस्टिस का नारा लग रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे छात्र इकट्ठे हुए हैं, इनसे सीधे हम बात करते हैं, ये क्या चाहते हैं। हमारे कॉलेजेस की, आईपी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, उनके सभी की ट्यूशन फी पिछले 4 सालों से जितनी भी हैं, वो एकदम से हमसे वापस ली जा रही है। मैं बीटेक कर रहा हूँ महाराजा अग्रसेन से। हमारे 2015 से बेस्ट सेशन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 4 सालों का फी हमने भरा। उसके बाद ये हुआ कि अचानक से नोटिस आई कि हमें 4 साल की बड़ी हुई फीस देनी है, जो हम नहीं देने वाले हैं, इसलिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम वर्षा भारद्वाज है, हम लोग CPJ कॉलेज से हैं। हम लोग ये फीस स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स को सब इंडिविजुअली किसी भी पेरेंट्स के लिए 1,40,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप नेक्स्ट ईयर की लेते हैं प्लस में जो प्रीवियस ईयर है उसकी लेते हैं तो विच इज़ रॉन्ग। हर पेरेंट्स को, कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स हो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स के लिए अगर वो 80,000 रुपीज़ है, वो 80,000 रुपीज़ मेरे पापा को पूरे साल अपनी पेमेंट से, अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है। और मैं अगर अपने पापा की तरफ से देखती हूँ तो यार कोई भी पर्सन, कोई ठीक है होता है, सबका अच्छा एक बैकग्राउंड होता है, सबके पैसे अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पर्सन है जिसका बैकग्राउंड सबको पता है कि जिसका इकोनॉमिकली जो वीक है। मेरी, हमारी मेन डिमांड ये है सर, आप हमारी आगे की फीस बढ़ा सकते हो लेकिन आप हमारी पीछे की फीस नहीं ले ले। हम अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स है। लास्ट सेमेस्टर में आगे हमें ये पता चलता है कि शुरू से अभी तक की हमें सारी की सारी फीस पे करनी है, और ये डिसीजन इसलिए आता है क्योंकि कोर्ट और दिल्ली सरकार, प्राइवेट कॉलेज और दिल्ली सरकार के बीच में जो कश्मकश थी, उसका भुगतान हमें करना पड़ा 4 साल बाद, आखिरी सेमेस्टर में आके, जबकि हमें प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी ना मिलकर हमें फीस पे करनी पड़ रही है। मेरा नाम रजत गुप्ता है, मैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का बीटेक का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज वालों ने हमसे अभी 4 साल की फीस मांगी है, उसका रीज़न ये है, इन्होंने हमसे कहा है कि कुछ इनका केस चल रहा था, SFRC ने कुछ फीस रिकमेंड करी थी और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने डिले कर दिया, फिर हाई कोर्ट का केस हुआ, इन सब के चक्कर में हम लोग जो है, हम लोग को कल्प्रिट बनाया गया है। लड़ वो रहे हैं कि क्या CM के पास पावर है अपना जो उन्होंने डिसीजन दे दिया है उसको वापस ले सकते नहीं ले सकते, बट इनकी लड़ाई में एक पार्टी तो है प्राइवेट कॉलेजेस, दूसरी पार्टी है दिल्ली गवर्नमेंट। हम स्टूडेंट की कोई बात सुन ही नहीं रहे, लड़ाई चल रही है CM की पावर्स पे और उसका जो भुगतान है वो हम लोगों को करना पड़ रहा है। सर मेरा नाम केशव है और यहाँ पे इशू ये है कि जो रिकमेंडेशन था SFRC का फी को हाइक करने का, ये 2014 में आया था रिकमेंडेशन था, जो स्टूडेंट इसके बारे में अनअवेयर थे, ठीक है, और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो फरवरी 2016 में निकाला, ये 1.5 ईयर्स का जो डिले हुआ इसके बारे में, हम 2015 में एडमिटेड बैच हैं सारे के सारे, हम लोग इसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर थे, और एकाएक नोटिफिकेशन आता है जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास थी 1.5 साल से, हमारे पास उसके पास कोई नॉलेज नहीं था उसके बारे में, और फिर भी हमें जो है ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि डिफरेंट कॉलेज के फी हाइक होंगे और वो भी डिट्रॉइट रिस्पेक्टिवली, इसलिए बहुत सारे बच्चों का जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डिमांड करने के लिए आए हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे छात्र एकत्रित हुए हैं जिनका कहना है कि आगे जो फीस आप बढ़ा रहे हैं उसको देने को हम तैयार हैं, लेकिन जो पिछली फीस है उसमें इजाफा ना किया जाए। कैमरामैन अरबाज और रिपोर्टर कुलदीप के साथ पवन भार्गव, NBC न्यूज हिंदी, दिल्ली। सब्सक्राइब करें NBC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।